Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about India's diplomacy on Ukraine via Quad. तो ये आर्टिकल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा इसमें इंडिया के करंट अप्रोच को ऑन रशिया यूक्रेन वॉर डिस्कस करेंगे हम लोग और इंडिया अपने स्टैंड को कैसे या अपने पोजीशन को कैसे कंसोलिडेट कर रहा है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सो दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जी पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन परस्पेक्टिव इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल स्टूडेंट्स हैविंग पी एस आई आर एज ऑप्शनल पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेसन्स एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट तो एक बार ब्रीफली रिवाइज़ करते हुए चलते हैं क्वाड ग्रुपिंग के बारे में तो क्वाड इट्स अ ग्रुप दैट कॉन्स्टिट्यूट्स फोर कंट्रीज द यू एस इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रेलिया अगर क्वाड की ओरिजिन की बात की जाए कि कैसे क्वाड की शुरुआत हुई तो ये जो आइडिया है इस, इस क्वाड की आइडिया को सजेस्ट किया था जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सिंजो ओबे ने इन जहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें इन चारों कंट्रीज़ को इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएस को एक साथ आना चाहिए इन ऑर्डर टू कर्ब अग्रेसन ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन स्पेशली इन साउथ चाइना सी तो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना हैज़ बिन टेकिंग एन अग्रेसिव पोस्चर सिंस द बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इसको लेकर के कई सारे आर्टिकल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वेर वी हैव सीन हाउ चाइना इज ड्राॅइंग नाइन डैश लाइन एंड इट इज़ यूनीटरली असर्टिंग इट्स एक्विजिशन और कंट्रोल ओवर मैनी ऑफ द डिस्प्यूटेड आईलैंड जैसे कि पारासल या स्पार्टली ये सब हम देख चुके हैं आई होप आपको इतना तो मोटा मोटा याद आ रहा होगा तो मुद्दा यह है कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में चाइना काफ़ी अग्रेसिव पोस्चर ले रहा है इस रीजन में और फिर चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए जापान के प्राइम मिनिस्टर सिंजो अबे ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दो हज़ार सात में जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उन्होंने सजेस्ट किया कि इन कंट्रीज़ को साथ आना चाहिए और एक इस तरह का ग्रुप बनाना चाहिए सो so, अब जरा देखते हैं कि हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2007 में आप कह सकते हैं कि इसके आइडिया को पिच किया गया लेकिन क्वाड कंटिन्यू टू बी एन इनफॉर्मल ग्रुप इसकी कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं हुई क्योंकि इसमें मेनली अगर देखा जाए तो इंडिया वर्स इंडिया हैड समिज़र्वेश्स रिगार्डिंग दिस क्वाड ग्रुपिंग क्योंकि इंडिया कभी भी डायरेक्टली एंटी चाइना स्टैंड नहीं लेना चाहता था इंडिया हैज़ बिन ट्राइंग टू बैलेंस इट्स टाइज विथ चाइना गिवेन द ह्यूज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन विथ चाइना इट इज़ वन ऑफ आर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सेकेंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि चाइना के साथ हम एक लॉन्ग बाउंड्री शेयर करते हैं और ऐसे हालात में वी डू नॉट वॉन्ट टू प्रोवोक चाइना कि कोई भी इस तरह के फिर बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट या स्टैंड ऑफ हो एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया हैड सम रिजर्वेशंस रिगार्डिंग फॉर्मलाइजेशन और फॉर्मुलेशन और यू मे से क्रिएशन ऑफ क्वाड एंड दिस इज़ व्हाई 2007 में इसके प्रपोज होने के बाद भी क्वाड रिमेंड मोर और लेस एन इनफॉर्मल ग्रुप इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब ये है कि उसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं कोई सेक्रेटेरिएट नहीं कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन फिर टू में चाइना ने बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए आपको पता है कि गलवान वैली इंसिडेंट हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना वेयर इंडियन ट्वेंटी इंडियन सोल्जर्स वे आर मटायर्ड तो उसके बाद से तो इंडिया हैज़ हैज़बिन टेकिंग सम हार्ड स्टैंड अगेंस्ट चाइना चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को भी थ्रेटेन किया था 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड किया कि देयर शुड बी एन अ ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ कोविड तो उसके बाद चाइना ने पूरी तरह से डायरेक्ट ओपन थ्रेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को कि मैं आपके देश के अंदर जो भी एफ आती है चाइना से वो बंद कर दूंगा जो भी हमारे स्टूडेंट जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने उनको रोक देंगे आपकी इकोनॉमी को पूरा पूरी तरह से नुकसान कर देंगे सच काइंड ऑफ थ्रेट्स वर गिवन गिवेन बाई चाइना टू ऑस्ट्रेलिया तो इन सब तरीक़ों से चाइना ने अपनी जो भी अच्छे रिलेशंस थे ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंडिया के साथ तो उसको ख़राब कर लिया 2020 में कोरोना वाले साल में जब दिस पेंडेमिक वाज ऑन द पीक और उसके बाद से ये दोनों देश ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो पहले क्वाड को फॉर्मलाइज नहीं करना चाहते थे दे ऑल्सो शोड सम विलिंगनेस टू फॉर्मलाइज क्वाड और उसके बाद से धीरे धीरे क्वाड ज़्यादा फॉर्मलाइज हो रहा है क्वाड के फार्मलाइज्ड प्रोसेस को या फॉर्मोलाइज जो एरिया है इसको कभी कभार क्वाड 2.0 नाम से भी जानते हैं तो क्वाड इज़ नो लॉन्गर जस्ट अ सिक्योरिटी या स्ट्रेटिजिक ग्रुप इट इज़ नो लॉन्गर एन इनफॉर्मल ग्रुप इट इज़ एक्सपेंडिंग इन टू इकोनमिक पीपल टू पीपल कोऑपरेशन या कल्चरल टाइस उन एरियाज़ में भी एक्सपैंड हो रहा है एंड क्वाड इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर फॉर्मल फॉर्मल से हमारा मतलब है कि अब हाल फिलहाल में वहाँ पर अलग अलग आ, आ, डिप्लोमेटिक लेवल्स पे मीट हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी कुछ दिनों पहले क्वाड के अंदर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था आने वाले टाइम में हेड ऑफ़ द स्टेट्स प्राइम मिनिस्टीरियलियलिय लेवल पर प्रेसिडेंशियल लेवल पर मीटिंग भी होगी सो दिस इज हाउ क्वाड इज गेटिंग फॉर्मलाइज तो ये सारी बातें हो गई क्वाड की अब एक बार क्वाड के मुद्दे को साइड करते हैं फिर जोड़ेंगे करंट मुद्दे से अभी आते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है रसिया स्टार्टेड दिस इन्वेजन ओवर यूक्रेन उसके पीछे की सारी कहानी आप जानते हैं ये रसिया डज नॉट वॉन्ट यूक्रेन टू ज्वाइन द नेटो ब्लॉक यू ऑल नो दैट हमने सब ये कवर कर रखा है इंडिया के लिए इस वॉर के कारण एक बड़ा सा डायलेमा जिसको हम लोग डिप्लोमेटिक डायलेमा नाम से जान रहे हैं क्रिएट हो गया है क्योंकि इंडिया रसिया का साथ भी नहीं छोड़ सकता लेकिन इंडिया साथ ही साथ यूएस के साथ भी अलाइन रहना चाहता है क्योंकि इंडिया के लिए अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखी जाए तो उसमें मेजर फैक्टर या मेजर रोल प्ले करता है चाइना वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ इंडिया इज टू काउंटर चाइना और चाइना को काउंटर करने के लिए हमें यूएस की जरूरत है एट द सेम टाइम हम नहीं चाहते कि हम पूरी तरह से यू एस डिपेंडेंट या यू एस और इसके एलाइज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं क्योंकि किसी भी मेजर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब है खुद की स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी को लूज़ करना दैट इंडिया नेवर वांट्स और यही कारण है कि इंडिया अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है बिटवीन रशिया एंड यू एस इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू टेक अ परमानेंट साइड अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिनारियो बन रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्राइसिस में आप देखिए तो जिसमें रसिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है चाइना तो क्लियरली साइड कर रहा है विथ रसिया धीरे धीरे वो पूरी तरह से रशिया को सपोर्ट कर रहा है अभी यूएस और उसके एलाइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया रसिया को कंडेम करेगा लेकिन इंडिया इस तरह का स्टैंड नहीं ले पा रहा है क्योंकि इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में दो ही मेन चीज़ें हैं किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी में ये दोनों चीज़ें होती ही हैं टू मैक्सिमाइज नेशनल इंटरेस्ट तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी यही है हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं दूसरा वी वॉन्ट टू रिटेन आवर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तो अपने नेशनल इंटरेस्ट हमारा नेशनल इंटरेस्ट है चाइना को काउंटर करना उसके अग्रेशन को काउंटर करना लेकिन उस चक्कर में हम अपनी पूरी की पूरी ऑटोनॉमी लूज नहीं कर सकते हम पूरी तरह से प्रो यू नहीं हो सकते क्योंकि उस केस में फिर यू विल स्टार्ट यूजिंग अस अगेंस्ट चाइना यूएस की एक पॉलिसी होती है बेट एंड ब्लीड वो दूसरे देशों को आर्म सेमुनेशन सप्लाई करता है ताकि वो लड़े और यूएस का कोई नुकसान ना हो और उसके दुश्मनों का फिर वो नुकसान करें इसे इस पर्टिकुलर केस में भी आप देख रहे होंगे यूक्रेन को कई सारे आम सेमुनेशन सप्लाई कर रहा है यूएस बट यूएस इज़ नॉट डायरेक्टली सपोर्टिंग नॉट सेंडिंग इट्स ओन सोल्जर्स ऑन द सॉइल ऑफ यूक्रेन तो इंडिया उस बेट एंड ब्लीड पॉलिसी में नहीं फंसना चाहता कि यूएस एस की तरफ से वो लड़े चाइना के अगेंस्ट सो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी हम मेंटेन रखना चाहते हैं नेशनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं और यही कारण है कि इंडिया ने फैसला लिया कि हम लोग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोक्योर करेंगे रसिया से ये जो क्रूड ऑय नेचुरल गैस प्रोक्योर करने का फैसला था ये हमारे दोनों गोल को फुलफ़िल करता है नेशनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करते करेगा हमारे देश के अंदर जो भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रिक्वायरमेंट है वो कुछ हद तक मीट होगी जिसके कारण जो इन्फ्लेशन आ सकता है हमारे इकोनॉमी में कुछ हद तक कूल डाउन होगा उसके अलावा जब हम रसिया से ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इम्पोर्ट कर रहे हैं सो दिस इज़ हाउ वी आर सेंडिंग ए मैसेज टू द यू Ki we want to have an autonomous decision-making power we do not want to completely sideline with any of the block of the world सो so, इस तरीके से इंडिया अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है यूएस और रसिया के बीच में हम यूएस के साथ तो हैं ही हैं लेकिन पूरी तरह से एंटी रसिया भी नहीं हो रहे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अब ने देखा होगा रशिया के अगेंस्ट जितने भी रिजोल्यूशन आ रहे हैं यू में जनरल असेंबली में या यूएनएससी में इंडिया उसमें अपस्टेन कर रहा है सो so, इनडायरेक्टली इंडिया इज सेंडिंग ए मैसेज कि वी कैन नॉट वोट अगेंस्ट रसिया रसिया इज अ प्राइज पार्टनर ऑफ इंडिया अभी भी आप देखें तो कई सारे हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं मोर देन 60 परसेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स हाल में, बाकी देशों से आ रहे हैं। लेकिन अगर ऑरिजिन की की तो लेकिन अब रसिया को एक साथ हमारे अपने संबंध बचाए रखने इसका मतलब ये नहीं कि हम यूएस के साथ अपने रिलेशन को पूरी तरह सेक्रीफाइस कर दें यही होती है फॉरन पॉलिसी मेकिंग यही होती है डिप्लोमेसी और इंडिया अब अपने रिलेशन को यूएस के साथ मेंटेन रखने के लिए क्वाड के बाकी दोनों पार्टनर्स का इस्तेमाल कर रहा है तो अब आएगा क्वाड फैक्टर क्वाड में ये चार कंट्रीज हैं इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया एंड जापान अब यूएस तो नेचुरली इंडिया से खुश नहीं है बिकॉज ऑफ द अप्रोच दैट इंडिया हैज़ टेकन सो फार ऑन रसिया यूक्रेन क्राइसिस तो अब इंडिया क्या कर रहा है बाकी के जो दो क्वाड मेंबर हैं जापान और रसिया जापान एंड 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 ऑस्ट्रेलिया उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की और क्वाड प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा इन्विग्रेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि यू के साथ हमारे संबंध बने रहें तो देखिए आप समझिए कि चार लोगों का एक ग्रुप है एक दोस्त से आपकी थोड़ी सी मनमुटाव चल रही है यूएस के साथ तो आप वो पूरे ग्रुप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो एक दोस्त है उसके साथ आपकी पूरी तरह से रिलेशंस ख़राब ना हो जाए और यही काम कर रहा है इंडिया जो क्वाड के बाकी दोनों पार्टनर्स हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है सो so, इंडिया इज अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन क्वाड By नेगोशिएटिंग with द टू अदर मेंबर्स ऑफ क्वाड तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम नेगोशिएसन कर रहे हैं ताकि क्वाड को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जाए ताकि इनडायरेक्टली हम अपने साथ अपने U.S. के रिलेशंस को रिटेन कर सके सस्टेन कर सकें और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने हाल फिलहाल में दो सबमिट्स करी हैं जापान के साथ फोर्टीनथ इंडो जापान सबमिट करी है हाल फिलहाल में जिसको मैंने कल के न्यूज़पेपर एसिस में डिस्कस किया छः अग्रीमेंट इसमें साइन किए गए कल ही हमने इसमें डिस्कशन किया था और फिर अगले ही दिन अब देखिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो दूसरा क्वार्ट पार्टनर है उसके साथ भी एक सबमिट डिस्कस एक सबमिट अरेंज की है

जो आर्कलॉजिकल या कल्चरल सिग्निफिकेंस की थी उनको इंडिया के अलग अलग मंदिरों से चुरा करके और इस तरह के जो स्मगलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया लेकर के चले गए थे इस तरह के 29 नाइन एनशियंट को लौटाने का फैसला किया है ऑस्ट्रेलियन सरकार ने जिस कारण से इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ एक्सप्रेस हिज थैंकफुलनेस टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक बात तो ये हो गई लगभग अब इस तरह के 29 नाइन आर्टिफेक्ट जो चोला रिजाइम के थे या फिर जे एन एस के थे फ्रॉम राजस्थान उनको ऑस्ट्रेलियन सरकार लौटा रही है लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि इस सेकेंड इंडो ऑस्ट्रेलियन वर्चुअल सबमिट में इंडिया हैज सिक्योर्ड सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन इंडियाज स्टैंड ऑफ रसिया यूक्रेन क्राइसिस इंडिया ने जो भी अभी तक स्टैंड लिया है रशियन यूक्रेन क्राइसिस पे यून के सारे रेजोल्यूशन में एब्सटेन किया है उसके अलावा रशिया से ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोक्योर करने का हम फैसला कर रहे हैं जब बाकी सारे यूएस और इसके एलआई जो हैं वो रसिया पे ट्रेड सैंक्शंस लगा रहे हैं तो ऐसे हालात में इंडिया को बाकी सारे सपोर्ट्स गैदर गाद, करने ज़रूरी थे खासकर क्वाड कंट्री से सपोर्ट गैदर करना जरूरी था और यही करने में सक्सेसफुल रहा है इंडिया विथ हेल्प ऑफ दिस सेकेंड वर्चुअल सबमिट विथ ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया स्लैम्स रसिया ऑस्ट्रेलिया रसिया को तो क्रिटिसाइज करता है लेकिन एट द सेम टाइम इट सेज कि वी अंडरस्टैंड इंडियाज़ पोजिशन तो ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ कहा है कि हम इंडिया के सिचुएशन को समझते हैं इंडिया अपने रिलेशन्स को रसिया के साथ जो भी उसके अच्छे संबंध हैं उसको पूरी तरह से सेक्रीफाइस नहीं कर सकता तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडियाज डिप्लोमेसी और इंडिया की जो भी अभी तक की डिप आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक डायलेमा चल रही है और रशियन यूक्रेन क्राइसिस उसको कुछ हद तक निपटने में ये ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा वेयर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर सेज कि वी अंडरस्टैंड इंडियाज़ पोजिशन इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है क्वाड के ऊपर दिस क्वेश्चन वाज आस्ट इन यूपीएससी मेंस 2020 इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम हिंट्स गिवन हियर द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड वाटर डे ट्वेंटी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस परस्पेक्टिव देखिए आज का दिन यानी कि बाईस मार्च पूरे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है एज़ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डे और 2022 का वर्ल्ड वाटर डे का थीम है मेकिंग इन विजिबल ग्राउंड वाटर विजिबल इस आर्टिकल में फिर बातचीत की गई है कि वाटर कंजर्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है खासकर इंडिया जैसे कंट्री के अंदर इस आर्टिकल में दो वाटर से रिलेटेड रिपोर्ट्स की चर्चा की गई है इन रिपोर्ट्स के बारे में अगर आप याद रखेंगे इन रिपोर्ट्स को अगर आप अपने एग्जाम में कोट कर पाएंगे तो इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स तो कभी भी वाटर पर सवाल आ जाए तो ये दो रिपोर्ट को आप मेंशन कर सकते हैं पहला रिपोर्ट है अबाउट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इज़ पब्लिश्ड बाई नीति आयोग इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो पहला कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स दो में पब्लिश हुआ था और फिर दूसरा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 में पब्लिश हुआ था जिसको हम लोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 नाम से भी जानते हैं उसके बाद से पैंडेमिक के कारण अभी तक ये रिलीज हुआ नहीं है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अंदर जो भी हमारे स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफर्ट्स टू बेटर यूटिलाइज द वाटर रिसोर्सेज तो जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से हार्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स और किस तरीके से उनको मैनेज और यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है ये रैंकिंग इन नौ इंडिकेटर्स के बेसिस पे दी जाती है सारे के सारे इंडिकेटर्स आप याद नहीं कर सकते लेकिन एक बार पी से पहले यू पी से पहले इसको देख लेना ए में इतना डेप्थ में नहीं आएगा तो मैं क्या बता रहा हूँ आज वर्ल्ड वाटर डे है पीटी पर्सपेक्टिव से ये थीम याद कर लेना पीटी से पहले मैं याद कराऊंगा फिर से पीटी टी कोर्स चला करके मेंस में कभी भी वाटर स्कैर्सिटी पे सवाल आ जाए तो ये दो वाटर से रिलेटेड रिपोर्ट को मेंशन करना उसमें पहला जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाई नीति आयोग इसमें स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है इन सारे इंडिकेटर्स के बेसिस पे तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स टू पॉइंट जीरो दो हज़ार उन्नीस में आया था उसकी स्टेट की रैंकिंग देख लेते हैं गुजरात इज द बेस्ट मैनेज स्टेट एज फार एज वाटर मैनेजमेंट इज कंसर्न इन बिगर स्टेट्स जबकि नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की रैंकिंग अलग से पब्लिश की गई है तो नॉन हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय स्टेट्स इन दोनों की रैंकिंग अलग से की गई है गुजरात इज द बेस्ट जबकि नॉन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश इज़ द बेस्ट अगर आसाम की बात की जाए तो आसाम यहाँ चौथे नंबर पे आता है विथ ओवरऑल स्कोर ऑफ़ 44 इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स जबकि स्टेट्स लाइक झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश वेयर द वर्स्ट परफॉर्मर एज फार एज वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इज कंसर्न और भी कुछ वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड डाटा हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए अगर पूरे दुनिया भर में बात की जाए तो आउट ऑफ हंड्रेड कंट्रीज इंडिया इज हंड्रेड ट्वेंटी कंट्री एज फार एज वाटर क्वालिटी इंडेक्स इज कंसर्न तो इसी वाटर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 में वाटर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया जिसमें हमारी रैंकिंग 122 देशों में एक नंबर पे है 70% परसेंट ऑफ द वाटर सप्लाई इन इंडिया इज लाइकली टू बी कॉन्टेमिनेटेड एंड विथ अराउंड 2 लैक डेथ्स एवरी ईयर एट्रीब्यूटेड टू इन एडिकुएट वाटर एक्सेस तो ये सब डाटा काफ़ी काम आ सकते हैं फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल जिसको हम लोग रेनफेड एरिया कहते हैं ये जो रिपोर्ट आई थी 2019 में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 इसमें कहा गया था कि 21 सिटीज़ ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद विल कम्प्लीटली रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाई ट्वेंटी अब ऐसा हुआ नहीं हो सकता है इसके पीछे पैंडमिक का कुछ हद हाँ तक रोल हो लेकिन हाँ ये शहर ये सारे शहर जो हैं वाटर स्केरसिटी को फेस तो कर रहे हैं और भी कुछ डाटा देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया इस 1486 क्यूबिक मीटर इसका सरल सा मतलब यह है कि एक इंसान को एक साल के अंदर एक हज़ार चार सौ छियासी वन क्यूबिक मीटर वाटर हमें मिलता है ऑन एन एवरेज कोर्स कुछ लोगों को ज़्यादा मिलता है कुछ लोगों को कम मिलता है कुछ लोगों को घर में स्विमिंग पूल होता है और क्या क्या नहीं होता है और कुछ लोगों को वाटर स्कैसिटी इतनी फेस करनी पड़ती है पानी भरने के लिए भी चार चार पाँच पाँच किलोमीटर चलना पड़ता है बट ऑन एंड एवरेज वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वन क्यूबिक मीटर जो कि डिक्लाइन कर जाएगा टू वन क्यूबिक मीटर बाई ट्वेंटी अब इंडिया कहाँ पड़ता है एज़ फार एज वाटर इज़ कंसर्न वो भी ज़रा देखते हैं तो देखिए एक इंटरनेशनल इंडिकेटर है फॉल्कन मार्क इंडिकेटर फॉल्कन मार्क इंडिकेटर जिसको वाटर स्ट्रेस इंडेक्स भी कहते हैं उसके हिसाब से अगर किसी भी देश के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ मोर देन 2500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा तो उस देश को हम कहेंगे कि वहाँ के वाटर कंडीशंस ओके हैं अगर 2500 से 1700 तक है तो उस देश में हम कहेंगे कि वाटर की वलनरेबिलिटी है अगर 1700 से 1000 तक है तो हम कहेंगे कि उस देश में वाटर स्ट्रेस कंडीशन है अगर 1000 से 500 है तो हम कहेंगे कि वाटर स्कैरसिटी के कंडीशन है अगर फाइव से कम है तो विल we'll से कि दिस कंट्री फेसेज एब्सल्यूट वाटर स्कैरसिटी तो अगर अभी का रिपोर्ट माना जाए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का तो इंडिया के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी सिक्स क्यूबिक मीटर दैट पुट्स इंडिया हियर इन अ वाटर स्ट्रेस्ड कैटेगरी so अकॉर्डिंग टू fakmac indicator इंडिकेटर इंडिया इज water वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री उसके अलावा जो दूसरे रिपोर्ट की मैंने बातचीत की थी पहला तो हो गया कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट दूसरा हो गया हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट ये जो हिंदू कुश हिमालिया असेसमेंट रिपोर्ट है इसके हिसाब से मोर देन थर्टी परसेंट ऑफ द ग्लेसियर्स इन हिंदू कुस हिमालय रीजन विल मेल्ट या रिट्रीट बाई ट्वेंटी इवन इफ वी अचीव द टारगेट ऑफ लिमिटिंग द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस विथ रेस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल तो यही तो टारगेट है पेरिस क्लाइमेट डील का कि इंडस्ट्रियल लेवल से प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना अगर ऐसा भी हम कर लेते हैं जो कि अचीव करना अपने आप में कठिन है अगर ये भी अचीव हम कर लेते हैं तो भी थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द ग्लेशियर्स विल मेल्ट अवे एंड दैट विल कंप्लीटली डी स्टेबलाइज हाइड्रोलॉजी ऑफ साउथ एशिया चाइना एंड म्यांमार तो इन कंट्रीज ये जो सारे कंट्रीज हैं साउथ एशियन कंट्रीज चाइना म्यांमार दे हेवली डिपेंड ऑन द ग्लेशियर्स ऑफ हिंदू कुस एंड हिमालयन रीजन और इन ग्लेशियर्स पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग और इस कारण से हम इन सारे देशों में वाटर अवेलेबिलिटी पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा एज पर दिस हिंदू कुस हिमालयन असेसमेंट रिपोर्ट इस टॉपिक के बेसिस पर यह फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमि द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अन दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्राम आर सिलेबस जी एस पेपर टू गवर्नेंस पर्स्पेक्टिव स्पेशली फ्राम रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम सेगमेंट तो देखिए भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि हमारे देश की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा जिसका नाम होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सी यू ई टी कंडक्ट कराने वाली एजेंसी होगी एन टी ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में हम और जानेंगे अगले स्लाइड में ये जो सी यू ई -E टी होगा इसका एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा एंड इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिस तरीके से जे वगैरह का एग्ज़ाम होता है ना वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और टेस्ट के बेसिस पे स्कोर निकलेगा सी यू ई टी स्कोर और सी यू टी के स्कोर के बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है अपना अपना कट ऑफ निकालेंगी अब ये तो फैसला हो गया कि भाई सी यू ई टी के मदद से एक कॉमन एग्ज़ाम होगा जिसकी मदद से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होंगे स्टूडेंट्स के अब इसको लेकर के डिबेट्स चल रहे हैं कि ये फैसला सही है या गलत तो जो सपोर्टर्स हैं इस फैसले के वो कह रहे हैं कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक तरह की यूनिफॉर्मिटी आएगी इस प्रोसेस में क्योंकि अभी भी आप सोचिए जो बच्चे सी बी एस ई बोर्ड से पास करते हैं उनको ज़्यादा नंबर आ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में जो बच्चे फिर स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम देते हैं उनको कम नंबर आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो फिर वहाँ पे एक डिस्पैरिटी हो जाती थी ना एडमिशन को लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन होगा उसको लेकर के एक डिस्पैरिटी हो जाती थी जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते थे उनको एक तरीके से डिसडवांटेजियस पोजीशन होता था क्योंकि स्टेट बोर्ड में इतने नंबर आते ही नहीं है अगर आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले तो सो दिस इज हाउ नाउ दिस आइडिया ऑफ सी यू इट इज़ बिंग सपोर्टेड बाई द सपोर्टर्स ऑफ दिस न्यू रिफॉर्म लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी हैं क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इस तरीके से तो स्कूल एग्ज़ाम का या स्कूल का पूरा का पूरा एजुकेशन का ही इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल बस नाम का जाएंगे या स्कूल जाएंगे भी नहीं एलेवेंथ और ट्वेल्थ में वो पूरा का पूरा फोकस रखेंगे सी यू ई टी पे ताकि उनका अच्छे कॉलेज में अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए सो दिस इज हाउ द फोकस ऑन स्कूल एजुकेशन विल बी रिड्यूस तो दिस इज अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द सी यू टी रिफॉर्म्स इस पर और भी अगर आर्टिकल जब आएंगे तो मैं इनको कवर करूँगा अब बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार ने एक एजेंसी बनाई है जिसका काम है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए एग्जाम कंडक्ट कराना तो जैसे नीट का जेई का सी यू ई टी गेट जी पैट जी मैट कैट यू जी सी नेट अब ये सारे एग्ज़ाम जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है इससे फ़ायदा क्या होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम को कराएगी तो एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड से एग्ज़ाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अब एग्ज़ाम होता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है पुराने सिस्टम में कैसा होता था कि नीट का एग्ज़ाम सी करा रहा है तो जेई का एग्जाम ए आई करा रहा है तो अलग अलग एग्जाम को कराने के लिए अलग अलग एजेंसीज से होता क्या था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं रहता था इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है इसको अटेम्प्ट कीजिए आप अभी देखिए ये सवाल देख करके आपको लगे कि थोड़ा अलग है जो मैंने पढ़ाया उससे अलग सवाल दिया है लेकिन हाँ ये मैंने सवाल थोड़ा अलग इसलिए दिया है ताकि आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में कुछ और बता सकूँ चलिए मैं अभी आपको हिंट्स दे देता हूँ ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं एक बार इसको पढ़ लीजिए यू विल गेट टू नो मोर अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्वच्छता मास्कॉट दैट इज़ अ रिवर डॉल्फिन सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टें फ्रामिल जी जीएस पेपर थ्री इन्वायरमेंट पर्स्पेटिव इट इज ऑल्सो इंपोर्ट फ्रॉम जीएस पेपर फाइव आसम टॉपिक्स पर्स्पेक्टिव तो रिवर डॉल्फिन के बारे में पहले समझते हैं फिर इस करेंट इशू पे आएंगे तो देखिए रिवर डॉल्फिन इनको गैंगेटिक या गैंगजेटिक रिवर डॉल्फिन भी कहते हैं दिज रिवर डालफिनस आर फाउंड इन गंगा मेघना ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम इंडिया नेपाल बांग्लादेश इन देशों में पाए जाते हैं रिवर डॉल्फिनस आर ऑल्सो इंडियाज़ नेशनल एक्टिक एनिमल्सो गैनजेटिक रिवर डॉल्फिन बिन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन टू थाउजेंड नाइन दे आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज शूहू ये शूहू सूहू इस तरीके से उनको बुलाते हैं अगर इनके स्टेटस की बात की जाए प्रोटेक्शन स्टेटस की आई यू सी एन हैज़ कैटेगराइज दिन डेंजर्ड साइट्स में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज में अपेंडिक्स वन में रखा गया मतलब हाइएस्ट प्रोटेक्शन रखा गया है इनका ट्रेड जो है वो इलीगल है इंटरनेशनल ट्रेड एंड शेड्यूल वन का प्रोटेक्शन मिला अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू मतलब हाइएस्ट प्रोटेक्शन मिला है डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंद्रह अगस्त दो हज़ार बीस के अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्रोजेक्ट डॉल्फिन अनाउंसमेंट किया था जिसके अंतर्गत आने वाले दस सालों में डॉल्फिन की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा इसमें सिर्फ रिवर डॉल्फिन ही नहीं ओशियनिक डोल्फिनस के पॉपुलेशन को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा अभी अगर डॉल्फिन्स की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दे आर ऑल्सो नोन अ सू द गैनजेटिक डॉल्फिन्स वे डिस्कवर्ड इन एटीन जीरो वन और अगर आप डॉल्फिन्स की बात करें तो इनकी आई साइट काफ़ी कमजोर होती है इनको कलर्स दिखते नहीं है इनको बिल्कुल अंधे नहीं होते अंधेरे में और लाइट में थोड़ा बहुत अंतर कर पाते हैं दे कैन डिफ्रेंसिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क बट अदरवाइज दे आर ब्लाइंड टेक्निकली मतलब बहुत हद तक इनको ढंग से दिखता नहीं है बस लाइट और डार्कनेस के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं ये ज़्यादातर जो ये अपने डायरेक्शन के बारे में पता लगाते हैं वो होता है थ्रू ईको लोकेसन तो ये आवाज़ रिलीज़ करते हैं और फिर उसकी इको से आने वाला कोई ऑब्स्टेकल उसके बारे में पता लगा लेते हैं सो दिस इज़ हाउ वी बिलीव ऐसा माना जाता है कि डोलफिन अपने ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन अपने ब्रेन का काफ़ी कम पाँच सात परसेंट इस्तेमाल करता है जबकि डॉल्फिनस अपने ब्रेन का बीस पच्चीस परसेंट इस्तेमाल कर लेते हैं चलिए ये कोई साइंटिफिक फैक्ट तो है नहीं तो इसको निगलेक्ट कीजिए तो मुद्दा ये है कि अंधे होने के बावजूद भी डॉल्फिनस को अपने लोकेशन के बारे में अच्छे से पता होता है बिकॉज ऑफ इको लोकेसन डोल्फिनस के बारे में एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल तो है ही है इट इज़ ऑल्सो स्टेट वाटर एनिमल ऑफ असाम एंड इट इज़ सिटी एनिमल ऑफ गुवाहाटी ऑल्सो एंड गुवाहाटी सिटी विद दिस बिकेम द फर्स्ट सिटी टू हैव अ सिटी एनिमल अभी हाल फिलहाल में ये रिवर डॉल्फिन इसलिए न्यूज़ में आया था क्योंकि सिलचर म्यूनिसिपल बोर्ड ने रिवर डॉल्फिन स्वच्छ को अडॉप्ट किया है स्वच्छता मास्कॉट तो अलग अलग जगहों पे इसको लगाया जाएगा ताकि क्लीनलीनेस को लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके तो इस तरह का मास्कॉट स्वच्छता मास्कॉट रिवर डॉल्फिन को अडॉप्ट किया है सिलचर म्यूनसिपल बोर्ड ने और कचार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टॉपिक के बेसिस पेपर में प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज इटन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं अंटार्टिक ट्रिटेड इंडिया फाउंडिंग मेंबर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ट्रिटी आया था 1961 में इंडिया ने ज्वाइन किया 83 में सो इंडिया इज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर इट विल इंटर इन टू री नेगेगोसिएशन इन टू थाउजेंडेंड फोर्टी एट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग इट विल इंटर इंटू री नेगोसिएशन इन टू थाउजेंड फोर्टी वन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी होलो गिबोन दे आर ओनली टू स्पेसिस ऐसा नहीं दे आ थ्री स्पेिसनलीस्टर्न होलो गिबोन इज फाउंड इन असाम दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बोथ आर फाउंड इन असाम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फ्रॉम आर साइड फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग